Guys, welcome back to YouTube channel. My name is Isha. I am Sarah. And we are the Dumb Guys. So guys, आज हम react करने वाले हैं scientific miracle of Kaaba explained. Yes. So guys, ये हमारा बहुत ही different एक topic है. हमने choose करा है. आप में से किसी ने हमें बोलता है कि हम इस पर react करें. So this video is by Hasi TV. अच्छा हाँ, Hasi TV तुमने देखा था? हाँ, तो हसी टीवी के ने डाली है. तो अभी हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है, इतनी बहुत डीप में चीजें नहीं पता मुझे स्पेशली. और जैसा थोड़ा बहुत मुझे पता है, ये मक्का में है सिचुएटेड. तो अभी हम बेसिकली देखने वाले हैं कि क्या साइंटिफिक मिरेकल है, क्या मिरेकल है जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड अबाउट काबा. यस, सो लेट्स सी. एंड इट इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस फॉर प्लेस ऑब्वियसली. हाँ, तो अभी देखते हैं क्या क्या है, जो मुझे भी बहुत सारी न्यू चीजें पता चलने वाली है और शायद इसे भी पता चले. यस गाइस, सो चलो विदाउट फर्दर डू स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी. ओके, हसी टीवी. दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, जिसे किबला कहते हैं. बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों, क्योंकि आज से हजारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के जमाने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी अदाद शुमार और आलात मौजूद थे. बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, इसकी इबारत करते हैं. इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह से मुसलमान काबा की इबारत क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है. इन दोनों के अंदर भला फ़र्क क्या रह गया? दोस्तों, इस्लाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है, मगर इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर किसी भी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ सकता है जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो. क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, और मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की ही ज़ात है, बेशक खुदा साहिब वसत और बाखबर है. इस आयत मुबारका से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुंह करने का मकसद मुसलमानों को मुतहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है. क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े, तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जनूब की तरफ मुंह करके अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजीह देगा. इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए. सो इसका मकसद काबा की इबारत हरगिज नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस भी है. सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक बार हजरे अस्वद, जो कि जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हजरे अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया. हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ये अल्फाज के तू सिर्फ एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि ना मुझे कोई फायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबारत नहीं करते बल्कि काबा के रब की करते हैं. क्योंकि हजरे अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसकी इबारत नहीं करते. अतः के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते. क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबारत करता हो, इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें, तो हमें पता चलेगा कि कायनात में सितारे, स्यारे और कहकशाएं सब एक खास मरकज या एक दरमियानी मरकज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं. यह निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक में आपको नजर आएगा, और काबा की सूरत में भी, जहां दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज के गिर चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज़ कर रही है. लेकिन ये मरकज खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक मुकम्मल निज़ाम है, जो कि अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है. जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें, तो जब भी कोई शख्स इबारत के लिए अपना सर जमीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है, तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है. यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फी कॉन्स्टेंट यानी कि 1.681 के बराबर होती है. जिसके बारे में बस इतना कहूंगा कि पूरी दुनिया कायनात का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूले या एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है. आपको पूरी दुनिया कायनात के अंदर और इवन के नेचर के अंदर हर जगह पर बस यही एक फार्मूला नजर आएगा. क्या
क्या, पर थोड़ा एक्सप्लेन करो। और अगर यही फार्मूला हम जमीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी जमीन का ऐसा मकाम जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज्यादा कि यह दुनिया के किसी और कोने के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता। हत्ता के सैटेलाइट से देखने पर भी इसको महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट भी इस बात का इतराफ करते हैं कि काबा से एक खास किस्म का एनर्जिक फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है। और बतौर मुसलमान हम ये बात जानते हैं कि काबा की डायरेक्शन के ऊपर यानी के सात आसमानों पर एक और काबा या अल्लाह ताला का घर मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। रोजाना तकरीबन 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं, और जो एक बार अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इस सआदत को हासिल कर ले, फिर उस फरिश्ते की पूरी जिंदगी के अंदर फरिश्तों की बेताशा तादाद की वजह से उसकी बारी कभी नहीं आती। ये एनर्जी कैसे खारिज होती है, इसे एक बार फिर से एटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को देख कर हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसके दरमियान के मरकज के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है और अपने इर्द गिर्द मौजूद बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज की तरह, जिसके गिर्द सियारे जिसमें हमारी जमीन भी शामिल है, सूरज की पावरफुल ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूम रहे हैं, और सूरज जमीन की नेगेटिव एनर्जी को लेकर इसे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ताकि जमीन पर जिंदगी का वजूद बाकी रह सके। और बिल्कुल यही सिस्टम एटम के अंदर भी है, जो कि जिंदगी और दुनिया और कायनात की हर एक चीज का बुनियादी इकाई या स्ट्रक्चर है, और इसी से मिलकर दुनिया और कायनात की हर एक चीज बनी है। इसीलिए काबा का तवाफ करने पर यानी कि एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें यह बताती है कि एक आम इंसान दिन भर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सामना करता है, जो कि इसके लिए बहुत खतरनाक हैं, और सामने के दिमाग के हिस्से में दाखिल होकर डिप्रेशन, सर दर्द, सुस्ती और दिमागी तनाव या स्ट्रेस की वजह बन सकती है। दिमाग के इसी हिस्से से हमारा जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हासिल करता है, और दिमाग के इसी सामने के हिस्से को जमीन पर रखकर इस नेगेटिव एनर्जी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त काफी बढ़ जाता है जब सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाले जमीनी हिस्से की तरफ ऐसा किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रियोस न्यूजबर्ग ने दिमाग की इन एक्टिविटीज को नमाज के दौरान नापने की कोशिश की, तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दौरान इस शख्स के दिमाग पर सीधा ये एनर्जी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से फ्रंटल लोब या दिमाग का सामने का हिस्सा उम्र गुजरने के साथ साथ सुखड़ता नहीं है, जिसका मतलब कि दिमाग के इस हिस्से के जिम्मे काम जो के हैं पढ़ना लिखना और याददाश्त, वो भी मुतासर नहीं होते, और बुढ़ापे के अंदर भी आपकी याददाश्त को कमजोर होने से बचाकर आपको कुदरती तौर पर मेडिटेशन को फराहम करता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक ब्लिस पत्थर, जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं, दुनिया के सबसे पुराने या कदीम पत्थर हैं? जब साइंटिस्ट ने यहाँ से सैंपल लेकर इकट्ठा किया तो पता चला कि ये जमीन की शुरुआत के वक्त या जमीन के बनने से भी पहले के पत्थर हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कहीं पर मौजूद थे, और जमीन के बनने की शुरुआत के वक्त जब एस्ट्रॉयड जमीन की सतह से टकरा रहे थे तब ये पत्थर इसी लोकेशन पर आकर गिरे। इसीलिए आज भी काबा के तीन पत्थर के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं से आए हैं, जिस वक्त जमीन का वजूद भी नहीं था। जमीन पर काबा की लोकेशन या लैटिट्यूड 21 डिग्री और 25 डिग्री है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम के अंदर काबा को बयान करने की सूरत का नंबर भी 2125 ही है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब हमने खाना काबा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे इसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों और इतकाफ करने वालों और रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो, जबकि कोमा के बाद की वैल्यूज को अगर हम परसेंटेज के अंदर बदलें तो हमारे पास जवाब आता है 21.42, जिसे अगर कुरान करीम के अंदर तलाश करें तो दूसरी सूरत की आयत 142 के अंदर एक बार फिर से काबा का ही जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब इससे क्यों मुंह फेर बैठे, तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है और वो जिसको भी चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। क्या ये सिर्फ मैथमेटिकली तौर पर महज इतफाक हो सकता है? अगर साइंटिफिकली तौर पर बात करें तो इसका चांस 10,000 में से सिर्फ एक बार मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत से कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला की जात का हर हुक्म बिना किसी सवाल और शक व शुबात के मानना चाहिए, क्योंकि इसके हर हुक्म के पीछे एक मसलियत और हिकमत जरूर होती है जो कि आसानी से समझ नहीं आती। इसीलिए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही लोग दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हुए जो देखी और अनदेखी दोनों चीज़ों पर ईमान लाए, जिसका खुदा ने हुक्म दिया
और अनदेखी इसकी जात भी है जिस पर हम बिना देखे और बिना कोई सवाल किए इसके वजूद पर ईमान लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। So guys, और ये वीडियो एंड हो गई और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता चले जो कि नहीं पता थे, लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स। बिल्कुल, और एक वो वाला फैक्ट था कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रूव मतलब निकलती है बाहर काबा से, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, वहां पे प्रूव किया गया है। हाँ, से भी उन्होंने देखा है पूरा सब कुछ। तो इस वजह से मतलब वो घूमते हैं, मतलब राउंड लगाते हैं जो एटम्स में, लाइक यूनिवर्स से लेकर एटम्स से लेकर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे यूनिवर्स में सन के अराउंड सब रिवॉल्व करते हैं, एटम के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से लाइक काबा को एक सेंटर पॉइंट दिखाया और जो ह्यूमन बींग्स है उसके अराउंड रिवॉल्व करने जाते हैं जैसे। तो उसमें काफी हद तक मतलब दिखा रहे हैं कि कैसे बैलेंस्ड है यूनिवर्स से। हाँ एग्जैक्टली, और उन्होंने भी बताया था कि वो पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे हम नेगेटिविटी जितनी भी होती है तो उसके राउंड घूमते हैं तो वो नेगेटिविटी लेकर हमें पॉजिटिविटी वापस देते हैं। हाँ, और जैसे उन्होंने सजदे का बताया कि जब ऐसे सजदे में सर जाता है तो जो हमारे ब्रेन से वो नेगेटिव चीजें निकल जाती है। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था। ऐसा कोई पता थोड़ी होता है कि ये मुझे बस इसलिए करते हैं कि हाँ मतलब अल्लाह की तरफ, हाँ मतलब अपना सजदा करें वो दिखाने के लिए कि हम वो हैं आपके एक, हाँ मतलब वही कदरदान जैसे। ये साइंटिफिक फैक्ट ये भी था कि मतलब ये है, और उससे भी बहुत सारी चीजें भी तो बताई थी कि ऐसे करते तो बहुत ज्यादा सेल्स, हाँ मतलब डिप्रेशन वगैरह जैसे जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो हमारे दिमाग से निकल जाती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाती है। और वो भी बताता कि सेल्स जो होते हैं जल्दी डेड नहीं होते, मतलब आपको बहुत उम्र तक बातें याद रहती है, इतना जल्दी भूलते नहीं हो, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। वो जो उन्होंने फॉर्मूला बताया था वो इतना समझ नहीं आया हमें, टू बी ऑनेस्ट, बट थोड़ा बहुत पता चला था कि जो उन्होंने बताए थे कि इसने पे वो है और वो कुरान में एक सूरत है वो उसी लाइक नंबर्स पे है। हाँ, तो वो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। तो और क्योंकि कुरान बहुत पहले से लिखी गई है और ये जो अभी बाद में हमने ऐसे वो बनाए हैं 21 और ये सब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये तो बाद में आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे तो होगा नहीं कि साइंटिस्ट ने बोला कि चलो कर लेते हैं। और एक और चीज थी वो भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने बताया था जब अर्थ बनी भी नहीं थी तब पहले वो 3-4 स्टोन्स थे जो वही काबा के पास आके के पास गिरे थे, और जब कुछ भी नहीं हुआ था तब वो आए थे। तो वही बहुत, और ये भी साइंटिफिकली प्रूव करी गई है, और वो उनमें से कुछ थोड़ा बहुत पार्ट या फिर ऐसा उन्होंने कुछ बताया था कि वो टेस्टिंग के लिए उन्होंने वहां पे भी रखे हुए हैं जो उन्होंने टेस्ट के लिए लिए थे। तो गाइस, और जैसे लोगों को लगता है कि मतलब जो मुस्लिम्स है वो काबा की ही लाइक उसको ही लाइक वो करते हैं वर्शिप, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा इसमें क्लियर करा कि ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इस्लाम में ये नहीं होता कि मतलब किसी बेजान चीज की तुम नहीं कर सकते लाइक वर्शिप, और किसी भी नहीं कर सकते अल्लाह के सिवा। तो काफी चीजें क्लियर हुई, और मेरे को एक चीज जो सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि हाउ मतलब साइंस से इसको रिलेट करके जो इस्लामिक चीज बताई, तो उससे ना चीजें बहुत बिलीवेबल हो जाती है एक इंसान के लिए कि लगता है लाइक वी शुड डू दीस थिंग्स। हाँ, तो मतलब वही सब जो उसने बोला ये बेस्ट चीज थी, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज ना साइंटिफिक रीजन से एक्सप्लेन करी, तो वो बेस्ट पार्ट था। क्योंकि ऐसे होते कोई लोग अंत तक बोलते हैं हम नहीं विश्वास करेंगे, तो इन्होंने जिस तरह से बताया पूरा ऐसा था कि हाँ हो सकता है यार, नहीं सही है ऐसे। और एक एक चीज जो लिखी हुई है वो इन्होंने प्रूव एक फैक्ट मतलब वो क्यों लिखी है वो भी हमें देखने चाहिए कि कुछ एक साइंटिफिक भी उसका है पीछे। तो मेरे को काफी अच्छा लगता है कि इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग जो कि लोग इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं लाइफ में। सो गाइस, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यस, और नॉलेजेबल, और बहुत सारी चीजें इससे भी पता चली और मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली। यस गाइस, तो काफी ज्यादा अच्छी लगी वीडियो, देख के मजा आया। यस, सो अगर आपको भी हमारी तरह नए नए फैक्ट्स पता चले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। यस, और अगर आपको ऐसा कोई फैक्ट है जो इसमें वीडियो में दिखाया और आप लोगों को पता है तो जाओ जाके कॉमेंट्स में बताओ, हम जरूर पढ़ेंगे कॉमेंट्स और लाइक भी करेंगे और अपनी राय भी बताएंगे कॉमेंट के नीचे। यस गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।